आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सुल्तानपुर में रिश्ते हुए हैं शर्मसार। पिता ने 2 महीने के बच्चे को उतारा है मौत के घाट। इस वक्त की बड़ी खबर, बच्चों को पटक पटक कर की है हत्या। मृतक बच्चे की मां ने दर्ज कराई है शिकायत। आरोपी पिता की तलाश जारी की जाए। जयसिंहपुर कोतवाली के 88 गांव का है ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर सुल्तानपुर से हम बता रहे हैं। सुल्तानपुर में शर्मसार हुआ है रिश्ता। पिता ने 2 महीने के बच्चे की है हत्या। बच्चों को पटक पटक कर की है हत्या। मृतक बच्चे की मां ने दर्ज कराई है शिकायत। आरोपी पिता की तलाश लगातार जारी। जयसिंहपुर कोतवाली के 88 गांव की है ये घटना। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सुल्तानपुर में रिश्ते हुए हैं शर्मसार। पिता ने 2 महीने के बच्चे को उतारा है मौत के घाट। बच्चों को पटक पटक कर की है उनकी हत्या। मृतक बच्चे की मां ने दर्ज कराई है FIR, जहां आरोपी पिता की तलाश जारी। जयसिंहपुर कोतवाली के 88 गांव का है ये पूरा मामला। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक पिता ने 2 महीने के बच्चे की हत्या की है। बच्चे को पटक पटक कर उसकी हत्या की गई। मृतक बच्चे की मां ने दर्ज कराई है FIR, जहां आरोपी पिता की तलाश लगातार जारी। जयसिंहपुर कोतवाली के 88 गांव का है पूरा मामला। सुल्तानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी पिता की तलाश लगातार जारी है। जयसिंहपुर कोतवाली के 88 गांव की घटना पूरी बताई जा रही है। सुल्तानपुर में रिश्ते को शर्मसार किया है एक पिता ने। पिता ने 2 महीने बच्चे के उतारा है मौत के घाट, जहां बच्चे को पटक पटक कर की गई थी उसकी हत्या। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो राजीव, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या है पूरी घटना? जयसिंहपुर के 88 गांव में जो है कल जो है बीती रात जो है एक पिता ने अपने बच्चे को जो 2 महीने का था उसने जो है पटक दिया। मामला ये सामने आया कि जो है पत्नी और पति में झगड़ा हुआ और उस विवाद को लेकर के जो है पति को गुस्सा आ गया और उसने बच्चे को जमीन में पटक दिया। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची और जो है बच्चे जो है अपने कब्जे में लिया और पति की तलाश की जा रही है। आई का ही कारण बताया जा रहा है या कोई और चीज भी सामने निकल के आई है? क्या पिता को किसी नशे का शौक था जिसके चलते उसने ये घटना को अंजाम दिया? जी, उसकी पत्नी ने कहा कि जो है उसका पति जो है नशा करता था, लेकिन कल शायद वो नशा नहीं किया था, लेकिन ये बात क्लियर सामने नहीं आई कि उसका पति नशा नहीं किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। अयोध्या दौरे पर जाएंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री। 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की परियोजना का करेंगे शिलान्यास। रिंग रोड बाईपास का पूजन करेंगे गडकरी। GIC मैदान में जनता को संबोधित करेंगे नितिन गडकरी। अयोध्या दौरे पर जाएंगे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री, जहाँ 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का शिलान्यास करेंगे। रिंग रोड बाईपास का भूमि पूजन करेंगे नितिन गडकरी। GIC मैदान में जनता को संबोधित भी करेंगे नितिन गडकरी। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से हम आपको बता रहे हैं, जहां 6 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की परियोजना का शिलान्यास करेंगे। रिंग रोड बाईपास का भूमि पूजन भी करेंगे नितिन गडकरी।
लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू के निर्वाचन अधिकारी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां अजय शुक्ला ने आगामी चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्वाचन मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी पूरा हुआ। 1,74,351 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जहां सूची पुनरीक्षण में नए वोटर जोड़े गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां अजय शुक्ला ने आगामी चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। निर्वाचन मतदाता सूची का पुनरीक्षण पूरा हुआ। 1,74,351 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जहां सूची पुनरीक्षण में नए वोटर भी जोड़े गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।